सो हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अब देख सकते हो तिरोत सिंह मेमो गवर्नमेंट स्कूल से असिस्टेंट लेक्चरर के लिए वैकेंसी आया है। 6 वैकेंसी है, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन है आपका 16 सितंबर 2022 को। तो नंबर फर्स्ट में देखिए, असिस्टेंट लेक्चरर्स इन इंग्लिश के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली वन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए आप, मास्टर्स डिग्री विथ बीएड और 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी है चाहिए आपको, अदरवाइज 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। सेकेंड पोजिशन में है आपका असिस्टेंट लेक्चरर इन एमआईएल खासी, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली वन। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री विथ बीएड, सेम है, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, टीचिंग एक्सपीरियंस और एमएससी है चाहिए आपको। नंबर थर्ड में देखिए आप, असिस्टेंट लेक्चरर इन हिस्ट्री, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली वन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद बीएड, सेम है यहाँ पे भी, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको, अदरवाइज 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स चाहिए आपको। नंबर फोर्थ पोजीशन में देखिए आप, असिस्टेंट लेक्चर इन पोल साइंस, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली वन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। पोस्ट नेम यहाँ पे देखिए, नंबर फिफ्थ में है असिस्टेंट लेक्चरर्स इन इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली वन। इसमें भी सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट सेम ही है यहाँ पे भी। नंबर सिक्स में देखिए आप, लेक्चरर्स इन एजुकेशन, इसमें भी सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट है वन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, बीएड चाहिए आपको, मास्टर डिग्री विद बीएड, अदरवाइज एमएससी कोर्स चाहिए आपको, अदरवाइज टीचिंग एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का। तो एज लिमिट देखिए आप, 18 to 32 ईयर्स ऑफ एज होना पड़ेगा। और रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। फिर सैलरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ मेघालय नॉर्म्स है। और इसको अप्लाई कैसे करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना होगा ऑन और बिफोर 16 सितंबर 2022 को ऑफिस में जाके, डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, इस ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स, अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा विद 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज विद सेल्फ अटेस्टेड मे बी सबमिटेड फॉर रिकॉर्ड स्क्रीनिंग। तो मैं आपको ये जो फॉर्म है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स।